गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गोप्रो का एक फुल रिव्यू लेके आया हूँ ऑनलाइन परचेज का, कि हमें गोप्रो को ऑनलाइन परचेज करना चाहिए या नहीं। एक ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मैंने अभी अभी एक दिन पहले ही गोप्रो को मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, और मेरा क्या रिव्यू है एक दिन का, मुझे सही प्रोडक्ट मिला या नहीं, मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, मुझे ये मेरा गोप्रो है, अभी कल ही आया है, गोप्रो 9 Hero 9। ये उसका बॉक्स था उसके साथ, और ये बढ़िया सा कवर है, और मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया जो कि मैंने इसको फिक्स कर दिया है। मैंने इसको अमेजन से मंगाया था, और आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात की जानकारी रखनी होगी कि सेलर कौन सा है। देखिए, फेक और ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको आप तभी बच सकते हैं जब आपको ये पता हो कि जब आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो किस सेलर से मंगा रहे हैं। इसका थोड़ा रिसर्च आप कर लें ऑनलाइन मंगाने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि 1000-2000 के डिस्काउंट के देख करके हम सेलर का नाम देखना भूल जाते हैं कि वो ट्रस्टेड सेलर है कि नहीं, अमेजन फुलफिल्ड है कि नहीं। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि जिस सेलर से मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर जो प्रोडक्ट हम ऑनलाइन मंगाते हैं वो कोई ना कोई सेलर के थ्रू ही भेजा जाता है। तो आप बाकायदा रिसर्च कर लें कि वो सेलर ट्रस्टेड है कि नहीं, उसके उस सेलर से कितने लोगों ने ख़रीदा है, उसके रिव्यू क्या हैं, वो सारे अमेजन पे रहते हैं। और इस तरह से आप रिसर्च करके तभी ख़रीदें, वरना ना ख़रीदें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब कोई कंपनी अपने तरफ से कोई फ्रॉड तो करती नहीं है। आपको बस ध्यान रखना होता है, अगर आपको पता है, आपने अच्छी रिसर्च की है सेलर के बारे में कि हाँ, जिस सेलर से मैं मंगा रहा हूँ वो प्रोडक्ट अच्छा भेजेगा, तब आप बेझिझक होके मंगाइए, आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जैसे मैंने पूरा रिसर्च किया था कि मुझे कौन से सेलर से मंगाना है, और मुझे एक ओरिजिनल प्रोडक्ट आया है। देखिए, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर आपको दिख रहा होगा गोप्रो इंडिया का होलोग्राम है, और पीछे में 2 साल का वारंटी का, फिर यहाँ पर ये स्टिकर है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जानने के लिए कि प्रोडक्ट आपको सही मिला है कि नहीं। फिर इसके अंदर सीरियल नंबर आप ओपन करके प्रेफरेंसेस में जा करके आप सीरियल नंबर चेक करके उसको डिवाइसेस में जब ऐड करेंगे, और डिवाइस ऐड हो गया तो ऐसे भी आप जान सकते हैं कि आपका गोप्रो जो है सही प्रोडक्ट आया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि ऑनलाइन परचेज से डरना चाहिए या नहीं, ये सही कितना हद तक सही है। ऑनलाइन परचेज से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि हम इंश्योर हैं कि मेरा सेलर जो है ट्रस्टेड है। अगर मेरा सेलर ट्रस्टेड है, यानी अगर मैं किसी भी ई कॉमर्स साइट से कुछ भी ऑर्डर कर रहा हूँ, और हम तभी डरते हैं जब वो ऑर्डर जो है बहुत महंगा होता है, थोड़ा बहुत 400-500 का ऑर्डर में थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो आदमी ध्यान नहीं देता है, चलो ठीक है। लेकिन जब आप 10,000-15,000-20,000 की चीज़ें मंगाते हैं, तब हमें डर लगा रहता है कि वो प्रोडक्ट सही आएगा कि नहीं, इसलिए हम ऑफलाइन मार्केट की तरफ रुख करते हैं कि चलो ऑफलाइन ही ले लेते हैं। लेकिन आप एक प्रॉपर रिसर्च करें सेलर के बारे में कि मैं जो ऑर्डर करने आ रहा हूँ, आप पहले ऑर्डर करने से पहले अच्छे से देख लीजिए कि आपका सेलर क्या है, ध्यान से देख लीजिए कि वो सेलर ट्रस्टेड है कि नहीं, उसके रिव्यू पढ़ लीजिए, आपको बहुत रिव्यू मिल जाएंगे उस सेलर के बारे में यूट्यूब पर या फिर अमेजन पर भी। आपको स्टार होता है ना, कितने स्टार उस सेलर के थ्रू कितने लोगों ने खरीदे हैं, और उसका कितने आउट ऑफ 5 कितने स्टार है, तो इस तरह से आप पा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को ओरिजिनल पा सकते हैं। और थोड़ा सा आप ध्यान दें तो मैं यही कहूँगा कि आप
ऑनलाइन परचेज करने से पहले इस चीज़ को जरूर देखिए कि आपका सेलर कौन सा है, आपकी सेलर की किस सेलर के थ्रू आ रहा है, वो ट्रस्टेड है कि नहीं, कितने लोगों ने उस सेलर से मंगाया है और उनकी रेटिंग क्या है, इससे आप फेक